हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड पेपर सेक्शन डी। सी तक अपलोड हो चुका है, लास्ट सेक्शन डी बाकी था, वो भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं, तो आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों। अच्छा, स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने शायद पहले भी वीडियो से बताया होगा आपको कि आप बेसिक वाला पेपर भी सॉल्व कर लेना, ठीक है? देखो, बेसिक मतलब क्या होता है? बेस, नी। तो जिन बच्चों का अगर नहीं पक्का होगा तो वो आराम से एडवांस क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना? तो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा कि आप अगर दोनों पेपर सॉल्व करोगे ना, बेसिक का भी स्टैंडर्ड का भी, तो आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा जहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगी, एंड आपका स्टैंडर्ड के तौर पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट, बाकी तो आप देख लीजिए आपको क्या सुटेबल लगता है, बट मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको दोनों पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड का सेक्शन डी। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगा। इट बिकम्स 1/2 एज इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो बता दो। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन बेसिकली है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना। सो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, सो देयरफॉर फ्रैक्शन बिकम्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, सिंपल सा हो गया ये ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एक्स प्लस 1 कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में एक्स वाई माइनस 1 कर रहे हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है? 1 बन जाता है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में लेके आना पड़ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ। सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, 1 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता है ना। तो x, y और फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए ये दोनों टर्म्स को अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ मैं। x प्लस 1 ये y माइनस में आ जाएगा और ये माइनस 1 प्लस में हो जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया? x माइनस y 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, डन। चलो अभी आगे क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट बिकम्स हाफ एज इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपका इक्वेशन जो है, कि आपका फ्रैक्शन जो है हाफ बन जाएगा अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करोगे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? हाफ। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर ले। अब यहाँ पे 2 है तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो 2 इंटू एक्स, 2x 1 के साथ ये आ जाएगा तो y प्लस 1, 2x ये पूरा टर्म अंदर ले लेते हैं तो माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, वापस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो या सब्सटीट्यूशन से, आपकी मर्जी है। तो चलो मैं एलिमिनेट कर लेती हूँ। Eliminating equation 1 and equation 2. ठीक है, so therefore x minus 1 plus 2 equals to 0, 2x minus y minus 1 equals to 0. अब देखो बच्चा, यहाँ पे y y सेम दिख रहा है, आगे कोई नंबर भी नहीं, मतलब सेम ही है, तो मैं y को एलिमिनेट कर दूँ। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं साइन चेंज कर लेती हूँ। ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 आया ना। ठीक है, तो वहाँ पे 1 आया, कुछ भी नहीं। ओके, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 1x, इसको छुपा दो, प्लस 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 प्लस, तो 2 प्लस 1 3। ठीक है,
सो देयर फोर क्या हो गया यहाँ पर, माइनस वन एक्स इज इक्वल्स टू, ये थ्री को वहाँ पे ले लो तो माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, ठीक है इतना। अब ये एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन वन और टू किस में अप्लाई कर लोगे, आपको वाई मिल जाएगा। मैं इक्वेशन वन में अप्लाई कर लेती हूँ, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। तो एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वेशन वन था हमारा, तो थ्री माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, थ्री और टू को प्लस करेंगे फाइव, माइनस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई को वहाँ पे ले लो तो वाई इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। सो दस द फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन फाइव, ठीक है, डन, इजी था, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। करंटली आशीष कुमार्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू सन्स खुश एंड निलाया निल्या, ओके वॉट एवर, ठीक है। तो बेसिकली आशीष कुमार की जो एज है करंटली राइट नाउ इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू सन्स खुश एंड निलाया, ठीक है। दोनों लड़कों का एज आप प्लस कर दो तब जाके आशीष कुमार की एज आती है, वो उनकी दुगनी है। आफ्टर 20 years, 20 years के बाद आशीष कुमार्स एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन टू सन्स, सो वॉट विल बी द आशीष कुमार्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं दैट प्रेजेंट एज ऑफ आशीष कुमार बी एक्स ईयर्स एंड हिज टू सन्स बी वाई ईयर्स, मतलब बेसिकली दोनों बच्चों की एज को हम लोग वाई मान लेते हैं मिलाकर, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, आशीष कुमार एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू सन्स, तो देयरफॉर आशीष कुमार मतलब एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई हो गया। तो ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years क्या हो जाएगा, 20 years के बाद, तो पहले तो आशीष की एज क्या हो जाएगी, तो एक्स प्लस 20 और सन्स की एज क्या हो जाएगी, तो वो भी तो 20 साल बढ़ जाएंगे, वाई प्लस 20, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आफ्टर 20 years आशीष कुमार्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन, ठीक है। तो यहाँ पे उनके सन के एजेस के बराबर हो जा रहा है ये, सो देयरफॉर एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 20, ठीक है। अच्छा अब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2y, ठीक है। तो मैं x की जगह 2y लिख दूँ यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट कर ले, तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 20। अच्छा बेटा एक सेकंड, मुझसे एक मिस्टेक हुई, देखो सन्स एज जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस 40 होगा ना, ठीक है। क्यों, देखो दो बच्चे हैं ना इसके, खुश और निलाया, तो समझो कि खुश की एज में भी 20 साल इंक्रीज हो जाएंगे और निलाया की एज में भी 20 साल इंक्रीज हो जाएंगे। इन दोनों की एज को मैंने y माना था, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, तो y प्लस 40, ना ये मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। तो 40 ये हो गया 40, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। ओके तो x की जगह पे मैंने 2y लगा दिया, वो तो आपको क्लियर है बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन, सो देयरफॉर इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको वहाँ पे ले लेते हैं, तो 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20, तो y इज इक्वल्स टू 20, y 20 हो गया, हमें तो फादर की एज निकालनी है। अब साफ साफ इक्वेशन में मैं y अप्लाई कर लूँ, सो नाउ x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2y की जगह 20, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 40, ठीक है। सो दस आशीष कुमार्स एज इज 40 years,
ठीक है बच्चों, डन। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दैट मींस कि आपको ये बीपीटी थ्योरम प्रूव करना है, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस पर लिखेंगे एम, ठीक है, एम हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, सो मैंने एम लिख दिया, देख लीजिए। अब आपको ये लर्न करना होगा क्योंकि आपको कहा गया है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम। तो स्टेट मतलब ये आपको स्टेटमेंट देना है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 मार्क जो है वो स्टेटमेंट का मिलेगा, ठीक है। तो प्रूव दैट, सॉरी, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स एट 2 distinct points। तो बाकी 2 साइड्स को 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स पे उनको काटेगा। देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना है हमें। देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो प्रूव करना है। देन के पहले जो स्टेटमेंट्स दिए हुए वो आपको एक क्लू दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। देन लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है। तो वो जो 2 साइड्स है वो सेम प्रपोर्शन में है, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो अब इस स्टेटमेंट को हम दोबारा रीड करेंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैं एक ट्राइंगल बना दूँ यहाँ पर, ओके, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। इन्होंने कुछ ट्रायंगल का नाम दिया हुआ नहीं है, इसके लिए हम इस ट्रायंगल का नाम खुद ही ले लेते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीन साइड्स है ना, ए बी, बी सी और ए सी। तो हम लोग किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं एल, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने लाइन यहाँ पे बना दी L, किसके पैरेलल बनाई है मैंने, BC के पैरेलल बनाई, इतना क्लियर हो गया। चलो फिर क्या कह रहा है, अब दोबारा शुरू करते हैं। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इट इंटरसेक्ट्स अदर 2 साइड्स एट 2 distinct points, वो बाकी 2 साइड्स को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा, ठीक है। तो वो काटेगा इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो एक को मैंने डी दे दिया, एक को मैंने ई दे दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपसे कह रहा है देन द लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स, इन साइड्स को वो डिवाइड कर रहा है इन सेम प्रपोर्शन, प्रपोर्शन सेम है इनका, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रपोर्शन क्या है मैं आपको अब भी जस्ट बता रही हूँ, पहले एक बार गिवन लिख दें हम लोग, ठीक है, तो आपको सब साथ में पता चलता जाए। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ट्रायंगल एबीसी, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज गिवन इन विच, अब ये एल इज पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, ठीक है, इन विच, पहले तो लिख देते हैं लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो डी और ई पे रेस्पेक्टिवली क्लियर उसको काट रहा है। ऑल्सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अब डी ई पैरेलल टू बी सी लिख दो, या दैट इज एल इज पैरेलल टू बी सी। इन्होंने गिवन में ही कहा ना आपको लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो वो गिवन में आ गया हमारा, इतना समझ में आया ना बच्चा। चलो अब हमने इन्होंने क्या कहा है प्रूव करने के लिए, आइए देख लेते हैं। टू प्रूव हमें कहा है कि ये लाइन जो L है ना वो ट्रायंगल के साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर रही है, कैसे, सेम इक्वल रेशियो, मतलब कि हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा अब समझो कि ये पूरी लाइन जो है, ठीक है, जब इसको काटा गया तो ए डी जो है वो समझो कि 1 आया और ये जो है वो 2 आया, ठीक है, और समझ लो कि यहाँ पे जो ये है ये आया हमारे पास फॉर एग्जांपल कि 2 आया और ये यहाँ पे मेरे पास 4 आया, ठीक है, मान के चलते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी, देखो ए डी अपॉन डी बी अगर मैं करूँ तो 1/2 आएगा, ए डी अपॉन डी बी मैं करूँ तो 1/2 आएगा,
यहाँ पे क्या है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई मेरा 2 है और ई सी मेरा 4 है, तो मैं 2 1 2 2 4, तो दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया ना। बस यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये दोनों का रेशियो जो है वो सेम है। अब हमें वैल्यूज तो नहीं लेनी है, ठीक है, हमें थ्योरम प्रूव करना है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है। वैल्यूज भले अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, बट काटू कूटी करने के बाद, ठीक है, अपना आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है, तो चलो मैं इसको रफ कर लेती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, वरना आप ना इसको लिख दोगे आंसर में, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अच्छा, अब कुछ हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या कंस्ट्रक्ट करना है, देखो ट्रायंगल के लिए हमारे पास कुछ खास नॉलेज तो है नहीं। नाइन्थ में हमने, एट या नाइन्थ में हमने इतना ज़रूर देखा हुआ है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया था, हमारे टीचरों ने सिखाया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ट्रायंगल है तो हाइट तो अंदर की तरफ बनती है ना। आज देखो ये ट्रायंगल है तो हाइट तो ऐसे अंदर की तरफ बनती है ना, है ना, उसको हाइट कहते हैं हम लोग, और जहाँ पे टच होता है उसको हम बेस कहते हैं। सिंपल सा फंडा हमें स्कूल में सिखाया गया था कि भैया कोई भी एक पॉइंट से अगर आप एक अंदर लाइन बनाते हो तो उसको हाइट कहोगे, और जहाँ पे वो टच करेगा जिस भी साइड को तो वो बेस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास साइड्स तो हैं 3 बट हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग हाइट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे 2 ई एन और डी एम, हो गया कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और यहां पे लिख भी देंगे हम लोग, लेट्स ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर की होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, डी एम किसके यहाँ ड्रॉ किया मैंने, ए सी के यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इतना हो गया। अच्छा, साथ साथ में हम लोग इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखो थ्योरम है तो आपको लर्न तो करना पड़ जाएगा। ठीक है, मैथ्स में हम कितना भी कहें कि लर्न क्या करना, तो लर्न भी करना होता है। आज आप फॉर्मूलाज लर्न करते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आप सम्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी आप सीख ही लेते हो, तो इसी लर्न तो करना होगा। तो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑल्सो ज्वाइन डी सी एंड बी ई, ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। तो देखो बच्चा पार्टी, अब आप एम लिख देते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, तो आपको इसके अंदर 1.5 मार्क जितना मिल जाता है। ठीक है, तो 4 में से आपके 1.5 मार्क हो जाते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया होगा तो इसका 1 मार्क आपको कंसिडर करना ही है, बाकी इन सब के लिए, इन सब के लिए ना टीचर थोड़ा अगर दयालु होगा तो 1 मार्क दे देगा, थोड़ा स्ट्रिक होगा तो 0.5 मार्क देगा। ठीक है, तो 1.5 से 2 मार्क मिलने के चांसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, पर हमें तो 4 के 4 मार्क कवर करने हैं, ओके, जब एक ही थ्योरम पूछ रहे हैं तो इतना तो हमला नहीं कर सकते, ओके, तो 4 मार्क तो हमें कवर करने ही है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ से। ठीक है, प्रूफ मैं इस पेज से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये वाला फिगर ना मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा बना लेती हूँ छोटू सा, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, देखो बच्चा, ये मैंने छोटू सा फिगर थोड़ा ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे देख देख के मैं समझेंगे, ताकि आपको बार बार ये हाँ ये बोलूँ ये बोलूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। चलो प्रूफ शुरू करते हैं। देखो मैंने अभी अब आपको क्या बताया कि हमें बचपन में सिखाया गया था कि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और उसी ही कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ेगा अपने को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एज वी नो दैट, जो जो कहती जा रही हूँ बस उस पर ही फोकस करना, एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाइट एल्टीट्यूड एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक ट्रिक याद कर लो, ए बी सी डी आती है ना, क्या मैं मान दी, ठीक है, ए बी सी, ओके, चलो उसके बाद क्या आता है बोलो,
डी ई एफ, है ना, हमें एफ तक नहीं जाना, हमें सिर्फ डी ई तक जाना है. तो क्या होगा, ए बी सी डी ई डी ई डी ई तीनों के साथ लिख देना है. ठीक है, क्या किया मैंने, ए बी सी फिर डी ई डी ई डी ई तीनों के साथ लिख दिया. ये क्या है, ये ट्रायंगल्स हैं बेटा. हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो कौन से ट्रायंगल लेने हैं, अब मैं तुमको समझाने बैठूं तो तुम्हारा मन उठ जाएगा थ्योरम से, तुम छोड़ दोगे कि वो करना ही नहीं है. तो मैं आपको कुछ डिटेल में, इतना आपका मैं दिमाग नहीं चाटने वाली, मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक बता रही हूँ और ट्रिक को लेकर आपको सिखा रही हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट. तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आपको ए बी सी याद करना है, उनके साथ डी ई डी ई ज्वाइन कर देना है. ठीक है, तो ये बन गए हमारे ट्रायंगल के नाम. तो चलो पहले हम शुरू करते हैं. यहाँ पर कंसीडर ट्रायंगल ए डी ई, पहला पहला है ना ए डी ई. ठीक है, ए डी ई हाफ इंटू, अभी मैम बेस और ये, अच्छा देखो ए डी ई आपको दिखा यहाँ पर. ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि हम एक हाइट ड्रॉ कर रहे हैं अंदर, और हम अभी क्या ले लेते हैं, ई एन. हमने हालांकि दो हाइट ड्रॉ की है ना, एक डी से एक ई से, चेक करना है. देखो ये रहा, एक हमने डी से हाइट ड्रॉ की और एक ई से की है. अभी हम पहले पहले ई ई वाली लेते हैं. ठीक है, तो ई एन डन, बस ठीक है. तो अब ये ई एन कहाँ पे अटैच है, ए डी पे अटैच है बेस. तो ये हो गया ए डी और ये हो गया हाइट ई एन. ये मेरी पहली इक्वेशन. ओके चलो, नाउ कंसीडर सिमिलरली फॉर ट्राइंगल. अब दूसरा ट्राइंगल क्या लिखा है मैंने, बी डी ई. बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इन टू. अब बी डी ई में ये जो एल्टीट्यूड है वो तो एज इट इज लिख दोगे ई एन. बेस क्या लिखे, अब इसमें मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा. सीधा आओ यहाँ पर, ये रहा ए डी अपॉन डी बी. ए डी अपॉन में क्या है, डी बी. क्या है, डी बी. देखो ए डी तो हमें यहाँ पे मिल गया, इसके अपॉन में क्या चाहिए था, डी बी. लिख दो शांति से डी बी, कुछ दिमाग नहीं है आपको इस पे चलाना. ये इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, अब इन दोनों को अपन को लेना है रेशियो में, अपॉन चाहिए ना, तो इसके लिए रेशियो तो लेना पड़ जाएगा. ठीक है, तो देयर फोर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इन दोनों का रेशियो ले रही हूँ मैं. ठीक है ना, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन. ओके देखो, हाफ हाफ कैंसल आउट, ई एन कैंसल आउट, सेम है. क्या बच गया हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी, जो चाहिए था वो मिल गया. ठीक है, तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर थ्री. नीचे लिख दूँ, चलो एक बार नीचे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी. ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया. तो अब नेक्स्ट तो आपको ऐसे खावानू खिचड़ी लगेगा. चलो अब दो ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल बच गया. पर आप बोलोगे मैम इस मुताबिक तो अपन को दो ट्रायंगल चाहिए ना, एक ऊपर एक नीचे, है ना. तो हमारे पास तो सिर्फ सी डी ही है, तो दूसरा वाला ट्रायंगल ये ए डी ही हम लोग दो बार लेंगे. ठीक है, क्यों, देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि हमने यहाँ पे दो हाइट ड्रॉ की थी ना, दो हाइट ड्रॉ की थी. ई एन वाला तो काम पत गया, अभी हमें करना है डी एम. क्या करना है, डी एम. तो डी एम भी तो इसके ही अंदर आ रहा है, तो इसके लिए ये वाला ट्रायंगल दो बार लिया जाएगा. ठीक है, चलो तो अब लिखेंगे हम लोग. नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, सेम है ना, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू. अच्छा अब बेस क्या लेंगे, देखो अब हम लोगों को डी एम हाइट लेनी है, तो बेस क्या आ जाएगा, ए ई. ठीक है, तो ये बेस आ गया ए ई और हाइट क्या आया, डी एम. ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा नंबर फोर. सिमिलरली
फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेंगे, ये रहा CDE. CDE हाफ इनटू बेस क्या लेंगे, अब सोचेंगे जरूरत नहीं है, AE उसके अपॉन में क्या है ये EC ना, हमने अभी भी AE लिया उसके अपॉन में क्या है EC, चुप करके EC लिख दो और DM एज इट इज. ये नंबर 5 दोनों को रेशियो में लेना है. सो देयर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM. हाफ हाफ कैंसल आउट, DM DM कैंसल आउट. ठीक है, क्या बचा AE अपॉन EC. एक बार लिख दें इसको अच्छे से. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, अब देखो थर्ड और ये 6 पे ध्यान दो. थर्ड क्या आया AD अपॉन DB, 6 क्या आया AE अपॉन EC. चलो यहाँ पे आ जाओ, AD अपॉन DB आ गया बेटा, AE अपॉन EC आ गया. यस, मतलब कि ये दोनों रेशियो तो आ गए. अब हमारे पास आखिरी एक स्टेप है और वो ये है कि इन दोनों के बीच में क्या प्रूव करना है, इक्वल. ये दोनों इक्वल कैसे बताना पड़ेगा ना. ठीक है, तो वाला इक्वल पॉइंट. चलो यहाँ पे आ जाओ, टेंशन मतलब कुछ हार्ड नहीं है. अब आप थर्ड और 6 इक्वेशन को ध्यान से देखो. तो आप देखो ऊपर वाले में आपको ADE है, यहाँ पर भी ADE है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल तो सेम है तो इसका तो कोई टेंशन नहीं आया. पर BDE और CDE सेम नहीं है. अगर ये दोनों भी सेम हो जाए ना तो हम इन दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं आराम से. ठीक है, तो BDE और CDE को सेम कैसे करें. तो देखो बेटा आपको है ना 9th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट आया होगा और जो मुझे शिद्दत से पता है कि आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा मैं याद करवा लेती हूँ. ठीक है, कि ऐसा था कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं और उन दोनों लाइंस में के बीच में अगर आप दो ट्रायंगल बनाते हैं, समझे, तो उनका एरिया इक्वल होता है जिनका बेस भी सेम होगा और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगी. अब आप यहाँ पे देखो, देखो एक तो हमने ट्रायंगल लिया BDE, ये वाला ट्रायंगल लिया BDE है ना, और दूसरा लिया CDE. अच्छा, DE और BC पैरेलल है ये हमने पहले ही लिख दिया था गिवन के हिसाब से. तो ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के बीच में आई ना, तो मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वल है. ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा लिख देना है स्टेटमेंट्स के तौर पे. तो हम क्या लिखेंगे, हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. ओके, बिकॉज दे लाई ऑन सेम बेस, दैट इज DE. दोनों के बीच में क्या है, DE और DE है ना, तो उनका बेस हो गया. एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE पैरेलल टू BC. ठीक है, तो इसको नंबर 7 दे देते हैं. अब देखो बेटा थर्ड इक्वेशन में ऊपर वाली तो ट्राइंगल्स इक्वल थे, ठीक है, थर्ड और सिक्स में. फिर दोनों ट्राइंगल को हमने इक्वेशन 7 में नीचे वाली को इक्वल बता दिया. तो अब अगर हम इसको और इसको और इसको, मतलब 3, 6 और 7 को एक साथ जोड़ दें तो ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो गए. तो हमें क्या लिखना है, अभी हमें सिंपल लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 सीधा लिख दो. AD अपॉन DB, मतलब जो राइट साइड पोर्शन था ना ये वाला, ये और ये, ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड. यहाँ पे हो गया आपके 4 मार्क क्लियर. देखो अगर ये वाला स्टेप में नहीं लिखोगे ना तो यहाँ से पूरा 1 मार्क कट जाएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं बता सकते हो तो आप इन दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए ये वाला लिखना बहुत ज़रूरी है. तो नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क ये स्टेटमेंट का मतलब क्लियर कट हो जाएगा, पहले बता दूं मैं आपको.
तो दैट इज ऑल अबाउट द थियरम. ठीक है, अब इससे इजी थियरम आपको कोई नहीं सिखा सकता है विद द ट्रिक. ओके, मैंने आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई जहाँ पे आपको बोलूँ अरे ये याद करो, फिगर में ये ढूंढो वो ढूंढो, मैंने तो कुछ नहीं बोला. फिगर में आपको ढूंढना ही नहीं है, आपको बस ट्रायंगल याद करने ए बी सी डी ई. ठीक है, कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया, बस लिखते जाओ, आपका थ्योरम कंप्लीट. सो आया मज़ा थ्योरम में, है ना? तो दो बार लिखोगे ना बच्चा फुल ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, आपके फुल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे. चलो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके बच्चों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या, ऊपर की तरफ देखना. ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, टावर के फुट से आप बिल्डिंग की टॉप की तरफ देख रहे हो. तो देखो एक फिगर बनाते जाए हम लोग. अब टावर लंबा होता है ना, ठीक है, तो इसको मैंने टावर ले लिया. सो अब यहाँ पे नाम दे देती हूँ मैं इसको ए और बी. ठीक है, और ये बिल्डिंग ले ली मैंने. ठीक है, ये सी और डी ऐसे कर दिए. ठीक, तो चलो अब क्या कह रहा है ये हमसे, आइए देख लेते दोबारा. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये टावर का फुट है और ये बिल्डिंग का टॉप है. ठीक है, ये बिल्डिंग, तो यहाँ से यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहे हो तो कितना डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है. ये है टावर. ओके, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग के फुट से आप अगर टॉप टावर के टॉप को देख रहे हो तो ये आपको एंगल दे रहा है 60 डिग्री. ठीक है, क्लियर हुआ. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. अब ये टावर जो है वो आपको दिया गया है, इसकी हाइट आपको दी हुई है 50 मीटर. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर. तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, तो बिल्डिंग की आपको हाइट निकालनी है. तो ये स्मॉल एच ले लिया मैंने, तो इसको कैपिटल एच ले लूँ. ठीक है, ये आपको निकालना है. बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ. चलिए तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपन लिख देते हैं. Here, height of tower, AB, AB height of the tower है, small h, 50 meter दिया हुआ है. ठीक है, थीटा वन आपको इसके लिए दिया हुआ है 30 डिग्री. आपको height of building, CD निकालनी है, और इसमें थीटा टू आपको दिया हुआ है 60. देखो अभी दो ट्रायंगल है ना, पहले हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं. तो हम लोग ना पहले ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं. ठीक है, क्या ले लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल. ओके, सो कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी. देखो बेटा ये ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, है ना. देखो साइड बनाओ ए बी सी, जिसमें सी कितना है 60 डिग्री, मतलब थीटा आपको दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री. इतना क्लियर हो गया, ट्रायंगल को देखते हुए जाओ. और ए बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 50 मीटर. ठीक है, तो हम लोग बी सी निकाल देंगे यहाँ पर. अच्छा अब देखो ये आपको एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल का ये हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया एडजसेंट साइड, है ना. तो अपोजिट अपॉन एडजसेंट आपको 10 देता है ना. ठीक है, तो ये एंगल हुआ तो ये एडजसेंट और ये अपोजिट, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 10 थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजसेंट. ठीक है, अब अपोजिट वाली साइड क्या है ए बी, और एडजसेंट वाली साइड क्या है बी सी. ठीक है, तो यहाँ पे आया 10 60 डिग्री, अपोजिट ए बी 50 और बी सी हमें पता नहीं, तो भी वो तो खैर फाइंड हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 10 60 इज रूट थ्री, सो रूट थ्री इज इक्वल्स टू 50 अपॉन बी सी. बी सी को यहाँ पे ले लो तो 50 अपॉन रूट थ्री, ये आया मेरा बी सी का वैल्यू.
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब मैं यहीं पे ही कंटिन्यू कर लेती हूँ। नाउ अब एक ट्रायंगल का तो यूज़ हो गया, फिगर देखो दोबारा से, तो 60 डिग्री वाले के लिए यूज़ कर लिया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लें, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, DCB, ठीक है, क्या नाम है देखो, DCB, ये ट्रायंगल का नाम है, जिसमें B क्या है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये वाली साइड ऑपोजिट हो जाएगी और ये वाली साइड एडजसेंट हो जाएगी। ये तो हमें निकालनी है H, और BC हमने अभी भी निकाल दिया है ना। तो चलो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दिख रहा है ना, हाँ, कंसीडर ट्रायंगल DCB जिसमें एंगल C 90 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजसेंट, ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है यहाँ पे DC, और एडजसेंट क्या है BC। ओके, देखो अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, तो 1/√3 DCH जो हमें निकालना है, और BC हमने यहाँ पे निकाल दिया हुआ है 50√3। चलो अभी तो BC यूँ ही लिख देते हैं, ठीक, चलो BC को यहाँ पे ले लूँ मैं, तो BC अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H, ठीक है, तो यहाँ पे BC में क्या लिख दूँ मैं, 50 अपॉन √3, और ये √3 जो ऑलरेडी नीचे था वो यहाँ पे लिख दे, इज इक्वल्स टू H, ठीक है, तो 50 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू H। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको H की वैल्यू आएगी 16.7 मीटर, ठीक है, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.7 मीटर, आ गया, सिंपल। ओके बच्चा बाटी, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दो ट्रायंगल्स थे, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। पहले ट्रायंगल मैंने ABC लिया, द रीज़न इज दैट कि मुझे यहाँ पे हाइट दिया हुआ था। अगर मैं पहले ट्रायंगल DCB लेती ना बेटा, तो मेरे पास तो ये निकालना है और BC भी नहीं था, तो मैं क्या करती इसमें, बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मेरे पास दो ट्रायंगल थे ना, एक ट्रायंगल मेरे पास ABC बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास DCB बन रहा है, ठीक है। कई बार मुझसे बच्चे सवाल करते हैं कि मैम आपने पहले ABC क्यों लिया, आप DCB भी तो ले सकते थे। हाँ ले सकती थी, बट द पॉइंट वॉज दैट कि DC में जो H है वो मुझे निकालना है और BC मेरे पास है नहीं, तो मैं लेके करती क्या, कुछ भी नहीं। तो जहाँ पे मुझे क्लू दिया हुआ है मैं वो वाला ट्रायंगल पहले लूँगी ना, तो ABC वाला जो ट्रायंगल है वो मैंने पहले लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे AB दिया हुआ है, तो BC निकालना मेरे लिए आसान था। तो इसके लिए पहले मैंने ABC ट्रायंगल लिया जिसमें BC निकाल दिया, फिर DCB लिया जिसमें BC अप्लाई करके मैंने हाइट निकाल दी, सिंपल, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 51 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कह रही है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो चलो पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया पैरेललोग्राम हमारा ABCD, ठीक है। अब क्या कह रहा है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, AD है, AD की साइड पे आपका एक पॉइंट E है, तो चलो इसको ही एक्सटेंड कर लेते हैं अपन, और ये पॉइंट E आ गया अब पैरेललोग्राम ABCD, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, तो BE ज्वाइन करना है हमें, जो CD को F पे काट रहा है, ठीक है। तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB सिमिलर है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात समझ लो यहाँ पर, अगर किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना बेटा, ठीक है, तो आपको उसमें क्राइटेरियाज यूज करने होते हैं, जैसे कि SAS, ठीक है, SSS और AA क्राइटेरिया, या SSS या SSS चल जाएगा, ठीक है, तो तब जाके हम लोग सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं।
तो हम लोग ना कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर हम लोग AA में निपट जाएं, ठीक है, साइड में हमें कुछ ना करना पड़े। अच्छा, अब इन लोगों ने हमें कुछ गिवन में खास दिया हो अभी नहीं कि हम साइड्स ले सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंगल एंगल। तो एंगल एंगल तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कौन से एंगल्स किसके इक्वल होते हैं। तो पहले जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए दिया गया उसी की उठा लेते हैं हम लोग। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं प्रूफ की। कंसीडर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। देखो अभी क्या ट्रायंगल है, ABE, ये रहा एक ये वाला ट्रायंगल, है ना, दिखा ना, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा क्या है CFB, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखो बेटा अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली तो मेरे पास ABCD पैरेललोग्राम है, क्या बोलते हो, दिया हुआ इन लोगों ने। ठीक है, चलो गिवन लिख दो, यहाँ पर यहाँ गिवन लिख देती हूँ। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पता है ये अपन को, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और अगर हम लोग ट्रायंगल ABE कंसिडर करते हैं तो उसमें ये वाला ट्रायंगल आ गया, और ये CFB लेते हैं तो उसमें ये वाला ट्रायंगल आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो चलो पहला एंगल तो आ गया मेरे पास, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, एंगल EAB, है ना, EAB इज इक्वल्स टू एंगल FCB, FCB, क्यों, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा 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 क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो ये देखते हैं। अच्छा, हम लोग ना दूसरा ई वाला एंगल ले सकते हैं हम लोग, कौन सा, AEB, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल, इसके, ये एंगल बी के इक्वल ले सकते हैं हम लोग। क्यों, देखो ये पैरेललोग्राम है, है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट ये जो साइड्स होती हैं हमारी, ये वाली, ठीक है, तो इसके थ्रू हम जेड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना, ठीक है, जेड बना सकते हैं, जेड मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप ध्यान से देखो तो ऐसे करके यहाँ बनाओ, ऐसे करके यूँ जेड बन रहा है, ठीक है, तो ये AEBC ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल होगा कि नहीं होगा इक्वल, होगा ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैम पैरेललोग्राम तो AD तक है ना, तो आप AE क्यों ले रहे हो। अब देखो AD वाली लाइन ही तो ऊपर खींची है ना, तो वो लाइन पैरेलल, पैरेलल मतलब कि दिखनी चाहिए, दे बोथ आर पैरेलल की कहीं मीट नहीं कर रहे, इसमें हमें मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, तो ये और ये आपस में पैरेलल है ही, तो इसके लिए ये जेड शेप बन रहा है हमारा, ठीक है, तो इसके लिए ये एंगल और ये एंगल को हम इक्वल बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल, अब यूँ देखा जाए तो EBC बन रहा है, पर हमारे ट्रायंगल में F वर्ड दिया हुआ है, तो E की जगह अपन क्या यूज़ कर लेंगे, F यहाँ पे, तो FBC, ओके, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एक्चुअली लगी तो इसमें पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी, इसके लिए गिवन में ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी था कि ABCD पैरेललोग्राम है, तब अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB प्रूव्ड। अब यूं देखा जाए बेटा, आप सोचो सेक्शन डी चार मार्क में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, दैट्स इट ना, सेक्शन डी चार मार्क में इतना सा ही लिखना है, बात खत्म। तो एक तो थ्योरम आ गया आपका चार मार्क का, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन आ गया चार मार्क में, तो आठ मार्क तो तुम्हारे यहाँ पे सिक्स चैप्टर में कम खत्म हो सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो थ्योरम तो कर ही लेना भैया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 51 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना बच्चों। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये
ये एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है ना, और इसके सेम रेडियस जितना ही कोन इसके ऊपर रखा हुआ है, माउंट किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का रेडियस सेम है, तो आर सेम आ गया इन दोनों का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोन और हेमिस्फीयर के मेजरमेंट्स। तो दोनों के रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर, और इसका भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट मतलब कि यहाँ से आप हाइट गिनो टॉय का यहाँ तक, ठीक है। तो ये टोटल हाइट आपको दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चा पार्टी, बेसिकली ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में तो बेटा कोई हाइट होती ही नहीं है ना। हाइट तो हमेशा हमें किसकी चाहिए होती है, कोन की चाहिए होती है, ये वाली हाइट चाहिए हमें, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी क्या हो गया, रेडियस ही तो हो गया, क्या बोलते हो, है ना। सेंटर से जब सर्कल के पॉइंट तक जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको रेडियस कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो रेडियस ही है, और रेडियस कितना है 3.5। तो टोटल हाइट में से अगर अपन ये वाला रेडियस यहाँ तक हटा दें तो हमें हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगा, ओके। तो हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए मैं इसको एच नाम दे देती हूँ। तो हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए आपको टोटल हाइट में से रेडियस निकाल दो, तो 15.5 माइनस 3.5 कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन कितना आया 12 सेंटीमीटर, बात समझ में आई ना, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द कोन आपको दी हुई है, तो जिसमें से हेमिस्फीयर की तो कोई हाइट होती ही नहीं है, तो इतना जो हेमिस्फीयर का पोर्शन है ये वाला, ये मैंने हटा दिया, तो ये रेडियस निकल गया। रेडियस निकल गया तो अब इतना पोर्शन बचा, इतना पोर्शन जो है वो आपको हाइट देगा कोन का, है ना, ओके। नाउ हमें कहा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में टी ए से लगा देंगे दोनों का। अरे बाबा टॉय है, ठीक है। टोटल सरफेस का मतलब ये है कि कितना कवर अप हो रहा है ना पूरा एरिया, वो आपको बताना है। मतलब आपको लगाना तो सी ए से ही है, बट दोनों का सी ए से मिलाकर आपको टी ए से बोला गया है, ठीक है। आज आपने बच्चे खिलौने देखे होंगे, ऐसे शेप में आते हैं, ऐसे शेप में यूं होता है, और अंदर यूं कुछ ना वो घुंघरू की तरह डले होते हैं, वो खन 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 आवाज़ आती है। तो अंदर घुंघरू है मतलब कि टोटल तो होगा ही, खाली है, ओके, खाली है। इसका मतलब कि आपको बाहर का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बाहर का लेना है, बाहर मतलब कि सी ए से, आई बस समझ में। तो अब आपको कोन का जो फॉर्मूला होता है सी ए से का, वो होता है पाए आर एल। आपको आर और एच दिया हुआ तो पहले एल निकालना पड़ जाएगा। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर इज 3.5 स्क्वायर, एच इज 12 स्क्वायर। 3.5 तो 5 का स्क्वायर 25, 0.3 के आगे 4 आता है, 4 3 इज 12, 12.25, और ये हो गया 144, ठीक है। 144 और इसको प्लस करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 156.25 एल स्क्वायर। सो देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू 156.25 का अंडर रूट, सो देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू 25 का 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12.5 सेंटीमीटर एल आ गया। चलो अब लगा देते हैं हम लोग, टी ए सी ऑफ टॉय इज नथिंग बट सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चा। सी एस ऑफ कोन इज पाई आर एल, और ये होता है 2πr², ठीक है। देखो अब पाई दोनों में सेम है, आर भी दोनों का सेम है, तो मैं पाई और आर कॉमन निकाल देती हूँ। एल प्लस टू, पाई तो बाहर आ गया, ये दो आर है, एक आर बाहर आ गया, एक आर अंदर आ गया। अच्छा आपको डायरेक्टली वैल्यूज करके सॉल्व करना आप कर सकते हो। देखो मेरा सिंपल फंडा है, जब पाए और आर दो बार कॉमन आ रहा है तो मैं दो दो बार मेहनत क्यों करूँ, कॉमन निकाल के एक ही बार क्यों ना वैल्यू लगाऊँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगाई, ठीक है, हमें कॉमन निकाला। पाए की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो हम लगाएंगे 27/7। रेडियस आ गया 3.5, एल 12.5, 2 इंटू रेडियस 3.5, ठीक है ना, ओके। सो 22/7, ये पॉइंट को मैं हटा दूँ तो नीचे 10 आ जाएगा, ओके। 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 कितना हो जाता है 7, ठीक है। 3.5 इंटू 2 7 होगा ना, हाँ 0 2 6 7, ओके।
सेवन वन ज़ा सेवन फाइव ज़ा, फाइव वन ज़ा फाइव टू ज़ा, टू वन ज़ा टू इलेवन ज़ा, कटिंग आ गई तो यहाँ पे इलेवन आ गया। बारह प्लस सात कितना होगा, उन्नीस, उन्नीस पॉइंट पाँच, ठीक है। तो इलेवन इंटू वन नाइन्टी फाइव अपॉन टेन करेंगे, तो 195 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, 591, 591, 54, 910, 11, कितना आया 2145, 2145 अपॉन में क्या है 10, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो क्या आया 2145.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, डन, क्लियर, चलो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते क्या कह रहा है। त्रिशा रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, ठीक है। देखो आपको ये फिगर दिया हुआ है, तो ये क्यूबॉइड जैसा है और ऊपर सिलेंडर है। कंपास नहीं था बच्चों का, ठीक है, ऐसे नहीं कंपास आता, यूँ सीधा सीधा होता है, ऐसे करके सीधा होता है, ठीक है, और फिर यूँ करके ऊपर ढक्कन जो होता है यूँ गोल करके आता है, ठीक है। तो वैसा ही शेप समझ लो, तो एक इंडस्ट्री चला रही है त्रिशा, ठीक है, तो वो जो जो शेड है, मतलब कि जो उसका प्लांट बनाया हुआ है ना, जो जगह है उसका शेप ऐसा है कि नीचे पूरा क्यूबॉइड है और ऊपर सिलेंड्रिकल की तरह पूरा कर्व्ड दिया हुआ है। इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, तो चलो ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को, नीचे क्यूबॉइडल शेप दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आपको डायमेंशन दिए हुए हैं। तो क्यूबॉइड के आपको डायमेंशन दिए हुए हैं, लेंथ जैसे आपको उन्होंने बोला है 7 इंटू 15, ठीक है, तो लेंथ 7 मीटर है, ओके, ब्रेथ 15 मीटर है, और एंड द हाइट, और हाइट आपको दिया हुआ है 8 मीटर। तो चलो ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा एयर का। अब एयर का वॉल्यूम मतलब पूरी खाली है, ठीक है, ये पूरा जो है वो खाली है, तो इसका बेसिकली हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब खाली जगह पे तो एयर होती है ना, तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, ओके। फर्दर, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर मशीन रखी गई, इंडस्ट्री तो मशीन तो होगी, तो मशीन जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, 300 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब, और इसके अंदर 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 20 वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें से हर एक वर्कर जो है वो 0.08 मीटर क्यूब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो अब कितना एयर रहेगा, अगर मशीन भी है और वर्कर्स भी है तो कितना एयर अंदर रहेगा वो हमें बताओ, ठीक है। तो बेसिकली इसको दो क्वेश्चन में डिवाइड किया गया, एक तो कहा गया कि पूरी मशीनरी खाली है, मतलब कि शेड पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, तो हमें बताना है कि भाई कितना वॉल्यूम है। तो पहले एक पोर्शन क्लियर कर ले हम लोग। अच्छा, अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सीधी सी बात है, इन्होंने कहा है कि जो शेप है शेड का वो क्यूबॉइड और हाफ सिलेंडर के फॉर्म में है, या सिलेंडर ही आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर हम देखें तो क्यूबॉइड के तो डायमेंशन आ गए हमारे पास, ठीक है, सिलेंडर के डायमेंशंस क्या, क्योंकि वॉल्यूम तो इन दोनों का ही चाहिए होगा अपने को, है ना। तो सिलेंडर में हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस और हाइट चाहिए होता है। अब देखो ये सिलेंडर हुआ ना, ठीक है, इसको आप अगर इसको भूल जाओ और इसको देखो, ठीक है, इसको यूँ उल्टा करके देखो, यूँ करके आप देखो, तो ये सिलेंडर बन रहा है ना, है ना, तो ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया यहाँ पे, तो देखो ये क्या हुआ, डायमीटर हो गया, तो डायमीटर कितना है बेटा, 7 डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मतलब कि 3.5 मीटर, ओके, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो ये हुआ आपका डायमीटर, है ना, ये हो गया आपका डायमीटर, तो ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, तो ये रहा क्या हो गया, हाइट 15 मीटर, है ना। तो सिलेंडर के लिए कुछ दिया हुआ नहीं था, बट फिगर के हिसाब से हम लोग ये चीज़ पूरी एग्जामाइन कर लेते हैं। तो चलो वॉल्यूम निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइड
इन अ शेड, ठीक है, इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ओके. सो नाउ अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिए हाफ सिलेंडर, तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के आगे क्या लिख देंगे हम लोग, वन बाय टू. हाफ लेना ना, पूरा तो है ही नहीं, ठीक, कटकटा हुआ ये आधा, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, और हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्लियर. अच्छा अब ध्यान देना, ये एच सिलेंडर का है और ये एच क्यूबॉइड का है, ऐसा हो तो नंबर वन और नंबर टू दे दो, कन्फ्यूज मत होना, इसमें दोनों में सेम वैल्यू लिख के आ जाओ, ठीक है. अब इसकी वैल्यू मैं आगे यहाँ पे लिख देती हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा वहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच वन प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच टू, ठीक है. चलिए तो वैल्यूज तो आपके यहाँ पर हैं ही, आप देख लो, लेंथ 7, ब्रेथ 15, हाइट 8, तो एल बी एच आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 15, ओके, मैंने आगे पीछे लिख दिया, सॉरी, ओके. प्लस हाफ पाई का 22 अपॉन 7, रेडियस था 7 अपॉन 2, 3.5 था ना, तो मैं 7 अपॉन 2 लिख देती हूँ, और इसका हाइट था 15, ठीक है, आ गया सब कुछ, ओके, okay, चलो. सो 7 इंटू 8 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 बाय 2 का स्क्वायर है, तो मैं 7 बाय 2 दो बार लिख देती हूँ, इंटू 15, ठीक है. चलो 7 7 गया यहाँ पे, 2 11 जा, दैट्स इट, और तो कुछ कहीं पे कुछ कटिंग हो नहीं रही है, ओके. 7 8 जा 56, और 56 इंटू 15, तीन आपको मिलेगा 840 प्लस, ओके, 7 इंटू 11 77 इंटू 15 टू टू ज़ा 4, ठीक है. तो बेसिकली इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 840 प्लस 77 इंटू 15 आपको मिलेगा 1155 डिवाइड बाय 4, ठीक है. तो 840 प्लस इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 288.75, ओके, इसको प्लस कर ले हम लोग तो 840 प्लस 288.75 को प्लस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1128.75, ये आया हमारा मीटर, हाँ मीटर क्यूब, ठीक है. तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है. अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछ रहा है कि जब मशीन आ जाएंगी, ठीक है, क्या पूछ रहा है हमें फर्दर के बाद, देखो फर्दर, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज, अब मशीन भी आ गई है जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो अब कितना एयर के लिए स्पेस बचेगा वो निकालना है हम लोगों को. सो देखो यहाँ पर, नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली लिख दे, एक्चुअली का मतलब कि अब कितना फाइनल बचेगा, ठीक है, इसके मैं एक्चुअली लिख दिया, इसमें उसमें डिफरेंस नहीं रहता, इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ शेड, ये हमने वॉल्यूम ऑफ शेड ही निकाला ना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शेड, इसमें से हम लोग वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस कर लेंगे और वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स, वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स ये माइनस कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ शेड हमारा है 1128.75 माइनस मशीनरी का वॉल्यूम, देखो मशीनरी ऑक्यूपाइज 300 मीटर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है 300 माइनस एक वर्कर कितना कर रहा है 0.08 मीटर क्यूब, ऐसे कितने वर्कर है 20, तो 20 इंटू 0.08, ठीक है. सो 1128.75 माइनस 300 माइनस, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 20 इंटू 8 अपॉन 100 कैंसल आउट,
टू एट ज़ा 16 अपॉन 10 मतलब कि 0.1 16 अपॉन 10 मतलब 1.6 ठीक है. तो 1128.75 माइनस 300 माइनस 1.6 ठीक है. तो इतना आ गया. ओके नाउ माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है. सो 1128.75 माइनस माइनस प्लस, तो 310.6 माइनस कर ले इसमें से. ओके क्या हो जाएगा, 1128.75 में से 301.6 माइनस कर लेते हैं, 5172 और ये कितना बचेगा 8 ठीक है. तो कितना आया हमारे पास, 827.15 मीटर क्यूब. सो दस वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड इज 827.15 सेंटीमीटर क्यूब आंसर. ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ. ओके तो क्वेश्चन इजी है, कुछ टफ नहीं है. बच्चे घबरा जाएंगे फिगर देखकर, ना एग्जाम में ही आया क्वेश्चन तो आप घबरा जाओगे कि क्या फिगर है क्या है. पर आप अगर आप इसको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करोगे ना तोड़ तोड़ के मतलब आधा क्वेश्चन रीड किया समझो थोड़ा क्या कह रहे हैं, फिर आधा क्वेश्चन पूरा रीड करोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला. ठीक है तो थोड़ा थोड़ा रीड करके आप क्वेश्चन को फिगर को एक साथ तालमेल मिलाते जाओ तो आपको समझ आएगा कि हमें करना क्या है. हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी था, कुछ था ही नहीं. एक पूरा पहले तो पूरे खाली का निकालना है, फिर मशीन और वर्कर्स काम करे वो माइनस कर दो, फिर कितना एयर बचता है वो निकालना है, दैट्स इट. और तो कुछ है ही नहीं. ठीक है चलो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन डी एंड द मैथ स्टैंडर्ड पेपर. तो यहाँ पे आपका मैथ स्टैंडर्ड का सारे के सारे सेक्शंस कवर अप हो जाएंगे. ठीक है तो जल्दी से करते हैं लास्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन डी 54. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली अलाउंस पॉकेट मनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18. तो आपको मीन दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई 64. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई. ठीक है दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे निकालनी है. चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. तो अब सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें निकालना होता है एक्स आई, मीन है मतलब कि एक्स आई निकालना होगा. ठीक है एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2. ठीक है ये आपका क्वेश्चन का था और मैंने आप कंटिन्यूटी में यहाँ पे लिखना शुरू कर लेती हूँ मैं. तो 13 प्लस 11 24, 24 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 12. 13 प्लस 15 28 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 14. ओके तो डायरेक्टली दो का गैप आ रहा है. तो 16 आया, 18, 20, 22 एंड 24. ठीक है इतना लिख दिया हम लोगों ने. चलिए स्टेप डिविजन वाली फॉर्मूला लगा लेते हैं, यूआई वाली. ओके तो अब यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, है ना. ओके तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि एच क्या है. तो दो का गैप है तो एच कितना आया 2. ओके नाउ एक्स आई तो ठीक है, ए किसको लेना है. तो जनरली अपन क्या करते हैं मिडल में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 2 3 ये वाला, बट यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है. तो हम एक काम करेंगे, हम ए उसको लोंगे जहाँ पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी चली जाए. तो मैं ए ना इसको ले लेती हूँ. ठीक है संभल के करना, सम है इजी बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ जाएगा. तो चलिए अब क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. एक्स आई मतलब 12 माइनस ए मतलब कि 16. 12 माइनस 16 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 4, है ना. माइनस 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा माइनस 2, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया 0. ठीक है वो एक बार पता चल गया फिर तो क्लियर है. अब गैप कितना है, 2 का है. तो 1 2 3 और ये 4. ठीक है चेक करना है. देखो 22 और 16 में गैप कितना है, 6 का गैप है. तो 22 माइनस 16 6 डिवाइड बाय 2 3 आ गया. ओके चलिए ये हो गया हमारा. अब हम लोग करेंगे एफ आई यू आई. ओके लास्ट कॉलम
तो 2 × 7 − 14 − 6 0 हो गया. ओके 13 2 × y = 2y 3 × 5 = 15 4 × 4 = 16 ओके सिग्मा एफ आई यू आई तो −14 − 6 − 20 प्लस 13 + 15 = 28 ओके 28 + 16 कितना हो जाएगा 44 प्लस 44 + 2y ओके तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 44 − 20 कितना हो जाएगा 24 ओके प्लस 2y ओके डन डन डन. इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग 7 + 6 कितना होगा 13 13 + 13 = 26 26 + 9 = 35 35 + x + y ठीक है ओके ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास. लगा देते हैं x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय h. ये फॉर्मूला रहता है. a हमने किसको लिया है 16 को. सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 24 + 2y. सिग्मा एफ आई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 64 वही ले लेंगे. h कितना आया 2 और हमें मीन भी दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है 18 ठीक है. चलिए कैलकुलेशन करते हैं हौले हौले करके. ये 16 को यहाँ पे ले लो तो 18 − 16 = ये 2 आए हैं. हाँ तो 2 × 1 = 2 × 32 तो क्या हुआ 24 + 2y / 32 ये कितना हो जाएगा 2 = 24 + 2y / 32 ये 32 को यहाँ पे ले ले. चलो राइट हैंड साइड पे आ जाओ. सो 2 × 32 = 24 + 2y कितना हो जाएगा 64 − 24 = 2y ठीक है. ये साथ में मैंने यहाँ पे ले भी लिया. कितना बचा 04 2y तो y कितना आया 20 ठीक है. तो y आ गया हमारे पास 20. चलो अच्छा अब x कैसे निकालें. तो देखो ये वाला रिलेशन है हमारे पास ठीक है. तो यहाँ पे लिखते जाएंगे 35 + x + y ना 35 + x + y और इसका टोटल हमें दिया भी है क्वेश्चन के अंदर कितना है 64. तो 35 + x + y = 64 सो 35 + x और y की जगह 20 = 64 कितना हो जाएगा 55 + x = 64 तो x = 64 − 55 तो x = 9 ओके सो दस दस मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 9 and 20 आंसर. डन बच्चों क्लियर हुआ ठीक है. टफ तो कुछ नहीं था बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना था. अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि जब भी आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना मीन की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली मैं तो जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आए तो आप ए उसको लेना जहाँ पे आपका एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी जीरो बन जाए फिर आप इसको लो या वाई वाले को लेते चल जाता ठीक है. अगर एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आता है मतलब कि इन सब में खाली एक ही है जो आपको निकालना है तब आप उसको ए नहीं लेना क्योंकि अगर आप उसको जीरो कर लोगे तो निकालोगे क्या आगे. आई बात समझ में. तो जब दो ऐसे मिसिंग हो ना तब उसमें से एक में उसी लाइन का जो नंबर हो एक्स आई हो उसको ए अज्यूम कर लेना. दैट्स इट और तो कुछ है नहीं. डन बच्चों सो यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया हमारा सेक्शन डी बहुत अच्छे से. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा का सारा मैथ्स का स्टैंडर्ड समझ में आया होगा. बेसिक मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि ज़रूर देख लेना आपके बेस क्लियर हो जाएंगे. और अभी हम लोग हम चलेंगे हमारे थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर साइंस एसएस और इंग्लिश के पेपर सॉल्यूशन की तरफ ठीक है. तो बस मैं वीडियो लाती रहूँगी तो चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. कीप स्टडी कीप हार्ड वर्किंग बाय बाय टेक केयर बच्चों.